अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आलू बैंगन की रेसिपी देने लगे हैं आज। उसके लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए थे, जिसको मैंने इस तरह बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया। और मेरे पास 4 से 5 मीडियम साइज़ आलू थे, ये भी तकरीबन आधा किलो हो जाएंगे। इनको मैंने इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। पैन में 1 कप ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ और 1 छोटा सा प्याज है, इसको हम बारीक काट लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन की रेसिपी बनने जा रही है। बाज़ लोग हैं उनको नहीं पसंद आता, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत बहुत अच्छी बनेगी आपकी रेसिपी। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा लाजमन। प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा ये गुलाबी हो जाए तो उसके बाद हम इसमें बैंगन सॉरी लहसुन को क्रश करके डालेंगे। लहसुन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालेगा। मैंने होल गार्लिक लिया है, यानी पूरा एक लहसुन का जो होता है फूल वो पूरा लिया है, और मैं इसमें शामिल कर दूँगी 3 मीडियम साइज टमाटर है, यानी इसको थिनली स्लाइस कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको थोड़ा सा हम गला लेंगे टमाटरों को। टमाटर गल चुके हैं, अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के खुश धनिया, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ऐड किया, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें भर के हल्दी डाल दी है, और 1 टेबलस्पून ही इसमें भर के जीरा जाएगा। इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। मसाला भुना जा चुका है, अब इस स्टेज पर हम इसमें बैंगन शामिल कर देंगे। अब बाज लोगों को ये शिकायत होती है हमारे आलू बैंगन अच्छे नहीं बनते हैं, कड़वे बनते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि आप कभी भी आलू और बैंगन दोनों इकट्ठे या थोड़े से वक्फे के बाद शामिल ना करें, दोनों सब्जियों को आपस में मिक्स मत करें। पहले बैंगन को अच्छी तरह पकने दें मिसालों में, जब ये गल जाएंगे पक जाएंगे फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे। इस तरह इकट्ठे सब्ज़ी डालने से ये नुकसान होता है कि जो बैंगनों का कड़वापन है वो आलू के साथ मिक्स हो जाता है, और इस तरह से हमारे आलू बैंगन बिल्कुल अच्छे नहीं बनते हैं। कड़वा कड़वा सा एक टेस्ट जायका आता है मुँह में। तो इंशाल्लाह जब आप इस ट्रिक पर अमल करेंगे तो आप अपनी फैमिली से घर वालों से सबसे पूछिएगा कि आपकी आलू बैंगन की सब्ज़ी कैसी बनी है। इसको हम ढक कर रख देंगे और साथ साथ इसको देखते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे इसमें, और जब तक ये गल नहीं जाता उस वक्त तक हम इंतज़ार करेंगे, फिर देखेंगे इसमें हमने कब आलू शामिल करने हैं। चलिए खोल कर देखते हैं। ये देखिए ऑयल तकरीबन ऊपर आ चुका हुआ है और बैंगन भी तकरीबन गलने के लिए तैयार है। अभी भी हमने इसमें आलू शामिल नहीं करने हैं, इसको अच्छी तरह पकने देना है, बिल्कुल गल जाने चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा 1/2 कप पानी भी डाल सकते हैं। अभी भी हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। चलिए व्यूअर्स खोल के देखते हैं। ये देखें,
सेहरन काफ़ी हद तक गल चुके हैं। ये देखें अब ये वो स्टेज है कि जिसमें हम आलू शामिल करेंगे। आलू का पानी मैंने गिरा दिया, अब इसमें आलू शामिल करेंगे। देखिए अगर हम पहले आलू डाल देते तो हरगिज़ अच्छा सालन नहीं बनता, आलूओं में कड़वापन आ जाना था। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ छोटे बड़े जो है ख़ासतौर पर आलू बैंगन इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि एक टेक्निक के साथ पकाए नहीं जाते। ये देखें ये आलू इसमें मैंने शामिल किए, साथ ही मैं इसमें हरी मिर्च कर देती हूँ शामिल। तीन हरी मिर्च डाल दी है, अब हम इसको ढक कर रख देंगे, हल्की आंच पर इसको पकने देंगे जब तक आलू गल नहीं जाते। आलू बैंगन हमारे पककर तैयार हो चुके हैं, अच्छी तरह गल चुके हैं आलू भी। इसमें एंड पे हम हरा धनिया ऐड करेंगे। ये देखिए हमने इसमें हरा धनिया ऐड कर लिया। बाकी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मज़ेदार सी आलू बैंगन की रेसिपी तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इस ट्रिक और ट्रिप्स के साथ आप अगर अमल करेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।